नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं यूपी के अहम खबरों का। खबर है सिद्धार्थ नगर से, जहां किसान चौपाल के माध्यम से किसानों और जनता को जागरूक करने और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा भाजपा कार्यकर्ता अभिलाष शुक्ला ने केनुआ चौराहे पर लोगों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए अभिलाष शुक्ला ने कहा कि सरकार जिस तरह से लोगों को योजनाएं चलाकर उसका लाभ दे रही, सब पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ। सरकार एक तरफा कार्य नहीं कर रही है, सभी धर्मों और जातियों के लिए सरकार समान रूप से कार्य कर रही है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति बहुत ही गंभीर है। किसानों को बहका कर सरकार की बुराई कर रहे लोग किसानों के हितैषी नहीं है। सरकार किसी भी तरह किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही। चौपाल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सुचित वर्मा की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है चौपाल का? देखिए, चौपाल का विशेष उद्देश्य ये है कि सरकार की जो लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, जो सारी योजनाएं सरकार चला रही है, जो लोगों का अनर्गल प्रलाप हो रहा है, लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, उसको उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए इस ग्राम किसान चौपाल का व्यवस्था बनाया गया है। इस तरह का चौपाल हम लोग पूरे ज़िले में लगाएंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, इसके लिए ये चौपाल लगाया जा रहा है। अभी 5 साल पूरे होने को है सरकार जी, चुनाव आने वाले हैं। अभी कई ग्राम सभा ऐसे हैं जहां सरकार की बहुत सारी योजनाओं से ग्रामीण वंचित हैं, उन्हें यही नहीं पता कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। देखिए, सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो ऑलरेडी उन ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाई हाँ, हो सकता है कि कुछ योजनाएं ना पहुंच रही हों किसी के द्वारा, लेकिन उन योजनाओं को, चूँकि इसीलिए जनता अपना मत देती है, प्रधान बनाती है, ताकि वो ब्लॉक तक जाएँ और सरकार की योजनाएं जो केंद्र से चलकर प्रदेश तक और प्रदेश से चलकर जिले तक और जिले से चलकर ब्लॉक तक आती हैं और ब्लॉक से चलकर वो योजनाएं ग्राम तक पहुंचे, इसलिए हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ के रखा जाता है। अब मान लीजिए कोई योजना किसी ग्राम पंचायत में नहीं पहुंच पा रही है, तो ये गलती सरकार की आप नहीं दे सकते हैं, ये गलती उस ग्राम के जनप्रतिनिधि यानी कि प्रधान की होगी जो जनता को उस चीज से अवगत नहीं कराते। इस चौपाल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस चौपाल के माध्यम से जनता को जो संदेश देना था वो तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं और जो कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत जी अनलगर प्रलाप और कई महीनों से बैठे हैं उस पे धरने पर, उस चीज को एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ करने के लिए इस ग्राम किसान चौपाल का बंदोबस्त किया गया है। क्योंकि ये बात तो लगभग जग जाहिर है, सारी जनता, सारा किसान ये बात जानती है कि कोई भी किसान आज के समय में जिसकी फसल खेत में खड़ी हो, वो अपनी फसल को छोड़कर किसी जगह रोड पर जाकर बैठकर किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसी अनाज से वो खुद भी खाते हैं और दूसरे का भी पेट पालते हैं। किसान चौपाल माध्यम से उस कृषि कानून बिल को लोगों के बीच में सही जानकारी